खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं, फिर लास्ट में हम लोग मिलके इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ऑपरेशन क्लीन आर्ट के बारे में है। आप ऑप्शन वन पढ़ेंगे तो यहाँ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया WII के बारे में बात की गई है। आप ऑप्शन टू पढ़ेंगे, यहाँ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में बात की गई है। चलिए विस्तार से देखते हैं ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इससे जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारी बातें। ये पूरी कहानी है मंगोज के बारे में। मंगोज मतलब नेवला, ये वही नेवला है जिसके बारे में आप बचपन से नेवले और सांप की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। नेवले का शिकार वर्षों से भारत में होता रहा है और हाल के वर्षों में नेवले की स्मगलिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। नेवले का बाल से पेंटिंग ब्रश बनता है और नेवले के बाल से बना हुआ पेंटिंग ब्रश बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं ब्रश कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। यूपी का एक प्यारा सा शहर सरकोट को ब्रश कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB के द्वारा भारत के चार राज्यों में एक साथ रेड मारा गया, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला। मंगोज चंडीगढ़ का स्टेट एनिमल भी है। आप जानते हैं चंडीगढ़ एक भारत का यूनियन टेरिटरी है। मंगोज को वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 पार्ट 2 में रखा गया है और यहाँ पे रखी हुई प्रजाति का स्मगलिंग करना एक नॉन ब्लेबल ऑफेंस होता है। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई ऐसे संस्थाएं बनी हुई हैं जो जीव जंतुओं को विलुप्त होने से बचाती है तथा किसे कितना अधिक प्रोटेक्शन चाहिए इस हिसाब पे एक लिस्ट तैयार करके रखती है। ऐसा देखा जाए हमारे पास 3 नियम होते हैं या संस्थाएं होते हैं। पहला IUCN, ये रेड डाटा बुक निकालती है। दूसरा साइट्स CITES और तीसरा शेड्यूल ऑफ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आइए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों IUCN के रेड डाटा बुक में 9 लिस्ट होते हैं, 9 कैटेगरी में बांटे गए हैं। किस जानवर को कितना प्रोटेक्शन चाहिए इस हिसाब से इन जानवरों को अलग अलग लिस्ट में रखा जाता है। IUCN के रेड डाटा बुक में मंगूज को लिस्ट कंसर्न के श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है साइट्स, इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं और ये लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज होता है, मतलब इसके द्वारा लिए गए निर्णय को मानने के लिए इससे जुड़े हुए देश बाध्य हैं। अगर बोलचाल की भाषा में बोले तो साइट्स का एकमात्र काम है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज का ध्यान रखना और इसके लिए साइट्स 3 अपेंडिक्स बनाया हुआ है, Appendix 1, Appendix 2 और Appendix 3। Appendix 1 में उन सारे जीव जंतुओं को डाला जाता है जिनका ट्रेड परमिशन शायद ही मिले, एक्सेप्शनल केस में मिलता है। Appendix 2 में उन सारे जीव जंतुओं को रखा जाता है जिसका ट्रेड आज कंट्रोल नहीं किया गया तो वो फ्यूचर में विलुप्त हो जाएंगी। और Appendix 3 में उन सारे स्पीसीज को रखा जाता है जो कम से कम एक देश में प्रोटेक्टेड हों। साइट्स में मंगोज को Appendix 3 में रखा गया है। अब आइए बात करते हैं शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहाँ 6 शेड्यूल हैं। Schedule 1 एंड Schedule 2 को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, मतलब Schedule 1 और 2 के स्पीसीज को मारना एक ऑफेंस है और इसके लिए हाई पेनल्टीज भरना पड़ सकता है। अब देखिए मंगोज Schedule 2 में है, मंगोज को मारना ऑफेंस है, वहीं Schedule 3 और Schedule 4 के स्पेसिस प्रोटेक्टेड होते हैं और इसके लिए लोअर पेनल्टीज होती है। Schedule 5 में उन सारे एनिमल को रखा जाता है जिसको आप हंटेड कर सकते हैं, जिसका शिकार कर सकते हैं। Schedule 6 में उन सारे प्लांट को रखा जाता है
जिसका कल्टीवेशन और प्लांटिंग करना प्रोहिबिटेड होता है। आइए अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में। हम क्वेश्चन में देखे थे वहाँ पे वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन WII के बारे में बात किया गया था, और दूसरा इंस्टीट्यूशन देखें हम वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, जो मंगूस को बचाने के लिए भारत के 4 शहरों पे रेड मारी थी। ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, बस दोनों का काम अलग अलग है। देखिए WCCB वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसका काम इसके नाम में ही छुपा हुआ है, वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल। मतलब क्या, ये क्राइम को कंट्रोल करती है। WCC एक स्टेचुटरी बॉडी है और ये कई कारणों से न्यूज में रहती है। जैसे 2019 में ही इसे UNEP और UNDP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एशिया एनवायरनमेंट अवार्ड दिया गया था। साथ ही साथ 2018 में ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन चलाई थी, जिसका नाम था नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस। आइए दोस्तों अब बात करते हैं वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये रिसर्च को देखती है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को देखती है। कुछ दिन पहले ये भी न्यूज में थी, इंडिया का पहला टाइगर सेल बनाने का सेटअप करने के लिए इंडिया का पहला टाइगर सेल कैंप इसे देहरादून में बनाया गया था। वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा मिलकर ये एक बार क्विक रिकैप करते हैं। आज हम जाने ऑपरेशन क्लीन आर्ट के बारे में, जो मंगूस को बचाने के लिए किया गया था। हमने 3 लिस्ट के बारे में देखा, IUCN, CITES और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 2 इंस्टीट्यूशन के बारे में देखा, WCCB और WII। ये वीडियो मेरे क्लासरूम स्टूडेंट के लिए है, लेकिन आप कोई भी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन कहता है, इट वॉज द फर्स्ट पैन इंडिया ऑपरेशन बाई WII। सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। हम अभी देख चुके हैं WCCB के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया था। दूसरा ऑप्शन कहता है, मैंगोज आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्या ये सही बात है? ये भी गलत बात है। अभी हम देख चुके हैं मैंगोज को वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में रखा गया है। इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत हुए, और का सही आंसर हो जाएगा नाइडर 1 नॉर 2। ये मेरा पहला वीडियो है, आप ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे और भी आगे वीडियो बनाई जाएंगी। धन्यवाद।